हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज रोज बास्केट नॉलेज एंड वाचिंग मैंने बास्केट टॉक्स। तो डे था 21 ऑफ नवंबर एंड ये आज लास्ट उत्सव का था, इसलिए हम लोग चले गए थे होली में फिर से। तो सीधा लास्ट डे ऑफ रास उत्सव मैं गया था मेरे मम्मी और पापा के साथ, क्योंकि इस साल हम लोग किसी भी फेस्टिवल मतलब रास उत्सव में कोई भी रास उत्सव में एक साथ नहीं गए थे। तो दिस टाइम मी अलॉन्ग विथ माई पेरेंट्स वी वेंट टुगेदर। सो घुसते ही आप देख सकते हो आज बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला था एंड इनफैक्ट शाम के 6 बज रहे थे और तभी से बहुत ज़्यादा क्राउड आना शुरू हो गया था। और साइड में आप देख सकते हो ये सारे लॉटरी का चैम्बर्स लगा हुआ है एंड इधर बहुत महंगे महंगे गाड़ी और विभिन्न प्रकार के व्हीकल्स, टीवी एक्सेट्रा होते हैं, तो जो आप लोग टिकट खरीद के उसको विन कर सकते हो, एक तरह का गैम्बलिंग है। तो हम लोग उधर नहीं जाके हम लोग सीधे रास मेला का जो फील्ड है उधर हम लोग जा रहे हैं अभी एंड ऊपर एक लाइटिंग का अरेंजमेंट करा गया है तो बहुत खूबसूरत लगा वो लाइटिंग का अरेंजमेंट और दोनों तरफ दुकान भी था। तो हम लोग ऑलमोस्ट रीच हो चुके हैं एंड देख सकते हो कितना हद तक भीड़ बढ़ चुका है एंड टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, ये 6:30 का अराउंड था हम लोग पहुँच चुके थे एंड अब हम लोग एंट्री ले रहे हैं अंदर की ओर। और अभी हम लोग खुल चुके हैं अंदर और चलो आगे बढ़ते हैं एंड आपको मैं दिखाता हूँ ओवरऑल व्यू। तो इधर बहुत सारे भगवान का अवतार का मूर्ति बना के इधर सजाया गया था एंड ये सारा चीज़ मैंने इतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मेरा पिछले वाला जो ब्लॉग था जहाँ पे मैं फिर आया था रास उत्सव में, उधर अच्छे से मैंने रिकॉर्ड करा हुआ था सारे अवतार का, तो उधर अच्छे से मैंने दर्शन कराया, तो लिंक ऊपर होगा आप देख सकते हो। तो अभी हम लोग उधर से निकल के अभी मेन और एक तो फील्ड है साइड में, तो उस फील्ड में अभी जाएंगे एंड उससे पहले एक विशाल सा सांप का एक स्ट्रक्चर बनाया गया था जहाँ पे लोग घुस घुस के फ़ोटोज़ ले रहे थे। हालांकि मैं गया नहीं था, मैं ओवरऑल आपको दिखा रहा हूँ किस लेवल का मतलब क्राउड जमा हो गया था उस दिन, बिकॉज ये लास्ट डे था एंड मैं जैसे जैसे वीडियो कर पा रहा था बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव क्राउडनेस एंड लकीली ये जो एरिया था ये बहुत ओवर क्राउड नहीं था, इट वॉज़ वेरी मच नॉर्मल काइंड ऑफ क्राउड एंड इधर अच्छे से हम लोग घूम पाए। वैसे भी इधर देखने लायक कुछ था नहीं, छोटे छोटे हर्ज वगैरह बना हुआ था, वैसे एक बार मतलब टहल लिए, उतना ज़्यादा दर्शन करने के लिए कुछ था नहीं इस साइड में। तो उधर से हम लोग दर्शन वगैरह करके और मैं हम लोग निकल गए, मेरा मम्मी पापा एंड ये लोग दर्शन कर रहे थे, बट मेरे को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया क्योंकि इट वाज लाइक माय सेकंड टाइम, बट चलो बढ़िया है कोई बात नहीं। एंड मेरे को सबसे ज़्यादा तो ब्यूटीफुल लगा ये शत्र जो बोलते हैं उसको, ये बहुत सुंदर तरीके से हर साल सजाया जाता है एंड जितना देखो उतना मन नहीं भरता है क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल लगता है लाइटिंग के साथ ये चीज़। एंड नया चीज़ जो इंस्टॉल करा गया ये रहा वो एलिफेंट स्ट्रक्चर, इधर लोग जा जाके बहुत ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे और देखने में बहुत ज़्यादा हद तक अच्छा भी लगा ये एलिफेंट का जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, इट वॉज प्रीटी ओके एंड प्रीटी नाइस काइंड ऑफ, तो आई रियली लाइक दैट स्ट्रक्चर। एंड उधर से हम लोग विदा होके अभी आगे बढ़ रहे हैं, उससे पहले देख लो रास का जो मेन टेम्पल है वो कितना खूबसूरत तरीके से लाइटिंग के साथ चमचमा रहा है, तो दूर से भी बहुत अच्छा लगता है एंड अंदर अगर जाओगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा, बट हम लोग उस दिन अंदर नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ एक्सेसिव क्राउड अगेन। हम लोग बाहर से दर्शन करें एंड लाइटिंग का इन्जॉय करा लाइटिंग को एंड मेरा मम्मी और मैं एंड तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े एंड उसके बाद आप देख सकते हो एक बार मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कितना खूबसूरत लग रहा था एंड ये था 95th हावली का रास महोत्सव, तो उधर बहुत बड़ा करके लोगों भी लगाया हुआ था एंड अभी मैं एक बार राउंड मार के दिखा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था विथ ऑल द लाइटिंग्स एंड एज द नाइट वॉज गेटिंग डार्कर इट वॉज द लाइट्स वर गेटिंग मोर एंड मोर प्रिटियर, है ना। एंड ये रहा दूसरा मतलब मंदिर के अंदर वाला एरिया है ये, तो इस साइड में एक पूल है और साथ में बहुत ज़्यादा लाइटिंग कराया गया इस साइड में भी, तो ये भी बहुत देखने में खूबसूरत लग रहा था। तो उधर बहुत लोग पिक्चर क्लिक कर रहे थे पर हम लोग पिक्चर वगैरह कुछ क्लिक नहीं करे एंड हम लोग सिर्फ घूमे देखे एंड बस यादों में कैद करने की कोशिश किया एंड ऑफकोर्स कैमरा में भी कैद करने की कोशिश करा थ्रू ब्लॉग्स बट पिक्चर्स नहीं है हम लोग के पास ऑनेस्टली। ओके तो एक आध तो सेल्फी शायद लिया था बट इतना कुछ रेलिवेंट नहीं था एंड अभी हम लोग जा रहे हैं मेन जो फील्ड है जहाँ पे मेला लगता है
वो वाले फील्ड में, क्योंकि अभी हम लोग को रिटर्न भी होना था, तो हम लोग जल्दी जल्दी वो वाले फील्ड में अभी जा रहे हैं, जो मंदिर था उसको छोड़ के अभी आगे जा रहे हैं, ठीक है ना। एंड वो एरा एंट्री वाला रूट या फिर एंट्री वाला गेट, और बहुत खूबसूरत एक मयूर का पंख से सजाया गया था, मतलब वो वाला स्ट्रक्चर बनाया गया, ये शायद बैम्बू से बनाया था पता नहीं, बट खूबसूरत बहुत ज़्यादा लग रहा था। एंड लोग भी बहुत ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, बट हम लोग नहीं किया। एंड उसके बाद हम लोग मेले में घुस चुके हैं, ये मेला वाला फील्ड है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के आपको शॉप्स देखने के लिए अवश्य से मिल जाएगा। एंड लकीली या फिर अनलकीली नहीं बता सकते, इस शॉप्स में आज भी हर एक चीज़ का प्राइस बहुत पीक पे था, या इट वॉज़ द लास्ट डे, बट फिर भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई था। मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था, कहा कि कोई इधर से उधर ना हो जाए, सो आई एंश्योर दैट। एंड हम लोग हाथ पकड़ पकड़ के हम लोग आगे बढ़े, हालांकि कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, बट स्टिल इट फील गुड, इट फील्स गुड व्हेन यू होल्ड योर पेरेंट्स हैंड, सो या दैट्स व्हाट। एंड उधर से हम लोग अभी विदा लेके हम लोग दूसरा वाला फील्ड में आ चुके हैं, ये भी बहुत बड़ा मेला का फील्ड है। एंड इधर आपको मोस्टली राइस देखने के लिए मिल जाएगा और बड़े बड़े दुकान देखने के लिए मिल जाएगा। जो पिछले वाला फील्ड था उसमें दुकान था बट छोटा लेवल में दुकान था, बट ये वाला फील्ड में जो देख सकते हो इधर बहुत बड़े बड़े दुकान है, एंड साइड में राइड्स भी है, तो इट्स लाइक अ मेन हैपनिंग प्लेस, मेन बजिंग प्लेस ऐसा कह सकते हैं हम लोग। एंड इधर से हम लोग कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं करे, बट फिर भी कुछ कुछ शॉपिंग करा। एंड आगे जाके वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो हम लोग आगे आते आते एरा राइड्स वाला एरिया आ गया, इधर बहुत चमचमाती हुई राइड्स देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के शॉप्स एंड विभिन्न प्रकार के लाइट और विभिन्न प्रकार के राइड्स, तीनों चीज़ें एक साथ इकट्ठे देखने के लिए मिल जाता है। एंड हम लोग जब आ रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, तब मैंने ये ब्लैक वाला जो जैकेट पापा पहने वो मैं पहना हुआ था, बट अभी मेरे को आगे बहुत गर्मी लग गया इसलिए मैंने जैकेट पापा को दे दिया, क्योंकि हम लोग के पास रखने के लिए कोई जगह नहीं था। एंड इट वॉज फीलिंग काइंड ऑफ हॉट बिकॉज व्हेन इट्स गेट्स क्राउडी नो टेम्परेचर गेट्स हाई एंड दैट्स व्हाट हैपेंस। एंड इधर देख सकते हो विभिन्न प्रकार के शॉप्स, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। एंड इधर मेरे को सबसे बहुत क्यूट लगा राधे राधे वाला बैग, मेरे को बहुत अच्छा लगा राधे राधे। एंड उसको हम लोग विदा करके क्योंकि लेना नहीं था। एंड एरा इधर हम लोग कुछ शॉपिंग कर रहे थे, एंड स्पेशली ये 20, 10, 30, 50 वाला शॉप्स था, इधर आप कुछ भी खरीदो 20, 10, 30, 50 के रेंज में आ जाता है। इधर से कुछ चीज़ें परचेज करा, एंड इधर मैंने एक बैग परचेज करा था, छोटा सा बैग, और साथ में पॉपकॉर्न लिया। एंड फिर अभी हम लोग का मेला ऑलमोस्ट घूमना कम्प्लीट हो गया और हम लोग अभी धीरे धीरे निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। एंड अभी हम लोग निकल चुके हैं आगे बढ़ते बढ़ते। एंड इधर अब बच चुका था 8:30 के अराउंड, एंड अभी जो लेवल में भीड़ हो रहा था, ओह माय गॉड, इट वाज वेरी मच ह्यूज, लाइक अभी लोकल्स या फिर बाहर से जो लोग भी आए थे सब कोई आ रहा था, तो इट वाज काइंड ऑफ वेरी मच बजी एंड वेरी मच क्राउडी, बट थैंकफुली हम लोग का भी घूमना हो गया था, सो इट वाज ओकेश एंड आई रियली एन्जॉयड इट। एंड अभी हम लोग घर जा रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो गया, एंड आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसी तरह से सपोर्ट और प्यार देते रहिए, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, बाय, सी यू।